आपने एमसीडी चुनाव के लिए किया ऐलान। मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय पर भरोसा। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल। दिल्ली नगर निगम में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल पर भरोसा जताया है। दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दोनों की जीत सुनिश्चित है, दोनों प्रत्याशी चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल के काम को देखते हुए एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया, बीजेपी में प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो करना चाहती थी। जातिगत जनगणना पर भी बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए एमसीडी के चुनाव में एक बड़े सपने और उम्मीद के साथ, दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाने की उम्मीद के साथ, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया, आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती थी। और डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे, और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है, तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का, डॉक्टर शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल, ये हमारे प्रत्याशी होंगे। आज ही इन लोगों का नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन आज ही ये लोग फाइल करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने सीमित समय में अपना काम करके दिखाया है, अपनी योग्यता का परिचय दिया है, और दिल्ली वालों की बहुत थोड़े समय में ही जो सेवा कर सकते थे इन्होंने किया है। इसी के आधार पर केजरीवाल जी ने और पार्टी ने तय किया है कि ये लोग फिर से हमारे मेयर डिप्टी मेयर। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए होने जा रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 सीटों में से 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी। बाद में दो पार्षद बीजेपी में चले गए थे और इससे बीजेपी के पार्षदों की संख्या 106 हो गई थी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।